बलिया उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव में तीसरे चरण का नामांकन को लेकर जिला प्रशासन ने पूर्ण रूप से तैयारियां कर ली हैं। बलिया जनपद के मनियर एवं अन्य ब्लॉकों में ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नामांकन किए और बाकी 15 अप्रैल गुरुवार को भरे जाने हैं। पुलिस प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में आज सुबह से मनियर ब्लॉक पर प्रधानी और ग्राम पंचायत चुनावों के प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए आए, लेकिन प्रशासन की कड़ी सुरक्षा के कारण प्रत्येक प्रत्याशी के सिर्फ दो ही समर्थकों को कड़ी चेकिंग के दौरान ब्लॉक परिसर में प्रवेश करने की अनुमति मिल रही थी। नामांकन दाखिल करने के बाद सभी प्रत्याशी अपने समर्थकों को मिष्ठान वितरण करते नजर आ रहे थे। नामांकन दाखिल करने के बाद प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में चुनाव जीतने के बाद गांव में विकास की गंगा बहाने के वायदे भी करते दिखाई दे रहे थे। वहीं ग्राम पंचायत जो महिला सीट पर आरक्षित ग्राम सभा महिलाओं को ना तो प्रधानमंत्री का नाम याद है और ना ही किस पद पर वह चुनाव लड़ेंगी वह मालूम है। नामांकन करने के लिए आज अपाहिज प्रत्याशी का नज़ारा देखने योग्य था। क्या नाम है आपका? बीरबल चौहान। बीरबल चौहान जी, कहाँ के रहने वाले हैं? जी सर, अभी आप कहाँ पे आए हैं? अभी मनियर ब्लॉक। किस लिए आए हैं मनियर ब्लॉक? किस पद का लिए पर्चा भर रहे हैं? जी मेंबर के लिए। मेंबर के लिए पर्चा भर रहे हैं? फोटो फोटो मलिक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सादिक जी। कहाँ पे आए हैं अभी आप? अभी पर्चा दाखिला करने। पर्चा दाखिला करने वाले? किस पद के लिए आप पर्चा दाखिला करेंगे? बीडीसी के लिए जी। किस लिए आपको यहाँ पर उठाया गया है? क्या आप जाने में सक्षम है वहाँ पे? विकलांग असमर्थ। विकलांग असमर्थ है तो आप बीडीसी का पर्चा दाखिला करेंगे। अभी आप कहाँ जाएंगे? ये लोग आपके साथ कौन है? ये लोग प्रस्तावक है, हमारा लड़का है। प्रस्तावक है आपके लड़के हैं? क्या यहाँ पर आपके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है? अभी कोई व्यवस्था है नहीं। जी धन्यवाद। मंजू देवी जी, जी किस ग्राम सभा से हैं आप? कहाँ की रहने वाली हैं? अहिरौली पांडे की। आप किस पद का नामांकन कर रही हैं यहाँ पे? प्रधान पद का। जैसे कि आप के गांव की ग्राम सभा की जनता आपको वोट देकर जिताती है, तो ग्राम सभा के लिए आप क्या करना चाहेंगे? जी क्या, जैसे क्या करें कि विकास के रूप में क्या करेंगे अपने ग्राम सभा के लिए? जो नाली यही ना था, नाली खड़ंजा और जो है। जैसे कि मैं आपसे लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा, ग्राम सभा के लोगों के लिए प्रधान का क्या दायित्व होता है? देख रेख करना। जी उनका कमियों को पूरा, उनके कमियों को पूरा करना। जैसे किस प्रकार की कमियों को पूरा करना है? विकास बनाना है। विकास करना है। जी धन्यवाद। द्रौपदी जी, द्रौपदी जी किस ग्राम सभा से आप नामांकन कर रही है? प्रधानी तो कहाँ का करना? आपका ग्राम सभा का क्या नाम है? ग्राम सभा काजीपुर। काजीपुर नाम है। अभी आप किस पद का नामांकन करेंगे? आप यहाँ पे नामांकन करने के लिए आई हैं ब्लॉक पे, किस पद का नामांकन करेंगे? प्रधान। जी जैसे कि आपको अभी ये मालूम नहीं है कि मैं किस पद का नामांकन करूँगी, आप प्रधान बन जाएंगी अपने ग्राम सभा का, जनता ने आपको वोट भी दे दिया, तो किस तरह का आप विकास करेंगी जनता के लिए? उसपे निभाएंगे। क्या निभाएंगे? किस तरह का विकास करेंगी? उसका घर जाएंगे, देखेंगे क्या पोजीशन है जी उसका, और फुल जहाँ जहाँ होगा तहाँ तहाँ हम भी जाएंगे देखेंगे। क्या होगा, कहाँ कहाँ जाएंगे, लफड़ा होगा? किस तरह का विकास करेंगे अपने ग्राम सभा में? आप प्रधान की क्या क्या जिम्मेदारी होती है ग्राम सभा के लिए, क्या बताएंगे कुछ? क्या नाम है आप? क्या नाम है आपका? राजमुनि। राजमुनि नाम है। कहाँ की रहने वाली है राजमुनि जी? कोटवा की रहने वाली है जी। अभी आप कहाँ पे आई हैं? ब्लॉक पे आई हैं। किस पद का नामांकन कर रही है आप? प्रधान का नामांकन कर रही है। अगर आप प्रधान बन जाती है तो गांव के विकास के लिए क्या करेंगे आप? क्या करेंगी बताइए, विकास के लिए? जनता जो कहेगी वही करेंगे। जनता जो कहेगी वही करेंगे, जो सरकार की योजना आएगी वो नहीं करेंगे, जनता के कहने पे करेंगे। जी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अपने देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है?
अपने देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? मंटू। क्या नाम है? मंटू। मंटू है प्रधानमंत्री का नाम। अरे और प्रधान हरे पागल। मुख्यमंत्री का क्या नाम है? अपने अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? चाहता हूँ मैं सरवार कुकर घाटी के निवर्तमान प्रधान हूँ जी। अभी आप नामांकन करने के लिए आए हैं, अगर जनता इस बार फिर आपको प्रधान बनाती है तो जनता के प्रति आपका क्या दायित्व होगा, किस तरह का विकास करेंगे इस बार? ये इस बार पिछड़ी महिला हो गया है, मेरे बहू लड़ रही है और मैं विकास किया हूँ पूरे मनियर विकास खंड में। मेरा गांव प्रगति पर है और एक नंबर रहेगा और मेरी बहू है ये भी स्नातक पढ़ी लिखी है, इसीलिए मैं इसको लड़ा रहा हूँ कि विकास करने में अहम भूमिका निभाएगी, पढ़ी लिखी है, इसका मैं साथ दूंगा जी। जैसे कि प्रधान का जनता के बीच एक दायित्व होता है, आप प्रधान बन जाती हैं आपके घर की कोई भी हो तो जनता के प्रति आपका क्या दायित्व रहेगा, किस तरह का विकास करेंगे? ये जनता के प्रति इसीलिए हम लोग लड़ा रहे हैं, शिक्षित जाएगी अपनी बात कहेगी उनके, जैसे बड़ा कोविड महामारी चल रही है, मास्क पहनना, सैनिटाइजर कराना, गांव को साफ सुथरा, दवा छिड़काव कराना, जिसका आवास नहीं है उसको आवास देगी, दिलवाने का काम करेगी और गरीब असहाय लोगों का दवा इलाज में जितना सहयोग हो वो करने के लिए तत्पर रहेगी और इनके साथ मैं भी साथ रहूंगा और मदद करूंगा जी। धन्यवाद। जानना चाहता हूं जी, मैं देवेंद्र सिंह ग्राम जी। अभी आप कहाँ पे आए हैं, किस लिए आए हैं? सर हम यहाँ आए हैं पर्चा दाखिला करने के लिए, महिला सीट है जी, मेरी पत्नी का पर्चा दाखिला हो रहा है जी। अगली बार भी जानकारी मिले कि आप प्रधान थे जी। जी किस तरह का विकास किए हैं आपने यहाँ? विकास करके कहा नहीं जाता है जी। जी विकास सर जाएंगे मेरे गांव में तो खुद दिखेगा कि विकास क्या है और विकास का मेरा मुख्य मुद्दा जो विकास है उसके साथ साथ जन एक एक जनता का पूरा पूरा सम्मान जो मैं 5 वर्ष तक दिया हूँ और यही 5 वर्ष नहीं इसके पहले भी मैं रहा हूँ, ये तीसरी बार है तो हर समय जी तोड़ मेहनत करके विकास भी किया हूँ और एक एक जनता का सम्मान भी किया जी। अभी आप जाते होंगे गाँव में वोट मांगने के लिए तो आप किस मुद्दे पर वोट मांगते होंगे? वही विकास और सम्मान, विकास और सम्मान के मुद्दे पर वोट मांगते होंगे। फिर आप इस बार भी लड़ने के लिए तैयार हैं, इस बार अगर जीतेंगे तो ग्राम सभा के लिए क्या करेंगे? इस बार जीतेंगे तो पहला काम हमारा नया पंचायत अधूरा पड़ा हुआ है, फर्स्ट में उसको पूरा करना है और जो थोड़ी बहुत गलियाँ बची हैं, थोड़ा बहुत नाले बचे हैं उनको पूरा पूरा सेचुरेट कर देना चाहता हूँ। साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की बात है कि उसको दिया जाए, स्वच्छता का मेन लक्ष्य रखते हुए कि स्वच्छता को रखा जाए, शिक्षा को रखा जाए, स्वास्थ्य को रखा जाए। प्रणाम जी, लास्ट क्वेश्चन हमारा एक है, प्रधान और ग्राम सभा के बीच एक दायित्व होता है, विकास का दायित्व होता है, विकास करने के लिए एक अच्छे प्रधान लोग चुनते हैं जी। बहुत से प्रधान ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, अभी जो महिलाएं आई हैं उनको प्रधानमंत्री के देश का नाम नहीं याद है, मुख्यमंत्री का नहीं याद है, तो उस लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो सरकार महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करती है, इस पर आप क्या कहेंगे? अब सर वो तो बड़ा मुद्दा है, उस मुद्दे पर हम बोल नहीं सकते हैं कारण कि ये क्लियर है कि आरक्षण महिलाओं को देना ही देना है, अगर उस पर कहा जाएगा कि नहीं ये आरक्षण देना उचित नहीं है तो देना तो हर पहल से अच्छा ही चीज़ है, ऊँची बात है, उसको मैं काट नहीं रहा हूँ। और जो ये अनपढ़ और कम पढ़े लिखे लोगों की बात है तो उसको तो मैंने स्वयं चाहिए ताकि जो अगर उसके लायक न हो कि अपनी ग्राम सभा को चला सके, जान सके, तो ऐसे लोगों को तो स्वयं क्षेत्र में आना ही नहीं चाहिए।